Good health is humanity's birthright. Baba Ramdev's Patanjali, herbal food and cosmetic products. कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं पतंजलि वालों की ही दवाई यूज करता हूँ। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी हम दूसरी दवाई वगैरह खाते हैं उसका होता है कि कोई गैस कोई कुछ इसकी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं। मैसर्स पवन कुमार गिरधारीला, हमारा पता पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान, अपोजिट परिमहल, कुंजवानी। मुंबई के ट्रांबे जीता कैंप वार्ड नंबर 135 की नगर सेविका खेरुनिशा अकबर हुसैन दोनों पति पत्नी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही जैसे कि कांग्रेस पार्टी में बाहर सी आ गई। पार्टी के बड़े नेताओं ने अकबर हुसैन और उनकी पत्नी खेरू निशा का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। मोक्ष की नगरी काशी में मुगल काल के बाद अब पहली बार समाज से उपेक्षित किन्नर समाज ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिशाच मोचन कुंड पर पिंडदान और श्राद्ध किया। हिंदू सनातन धर्म में किन्नर समाज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ये कर्म कांड कर रहे हैं। कल के दिन हमारे इधर से अभी मुझे लगता है दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, यूपी और बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से इतने जगह से किन्नर आ चुके हैं। कल एक ऐतिहासिक दिन होगा। हजार वर्षों के बाद किन्नर अपने पितरों का पिंडदान और श्राद्ध करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं ये जानती हूँ और ये समाज, जो इंसान चाहे किन्नरों की जिंदगी बड़ी व्यथा में गुजरती है, तिरस्कार, समाज तिरस्कार करता है, पैदा करने वाले तिरस्कार कर देते, मरने के बाद सिर्फ जला के आ जाते, ये आत्माएं इतनी भटक रही हैं हमारे पितरों की। तो किन्नर अखाड़ा जब स्थापित हुआ, मेरे संरक्षक ऋषि अजय दास और हमारे जितने महंत और पीठाधीश्वर हैं और महामंडलेश्वर, इन्होंने ये बात रखी सामने कि हमें पितृ ऋण से मुक्त होना है और हमें किन्नर अखाड़े को पिंडदान करना बहुत आवश्यक है। मराठा समाज की अलग अलग मांगों के लिए सांगली में 27 तारीख को मुख्य मोर्चा का आयोजन किया है। मराठा समाज की ओर से महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में जो मोर्चे हो रहे हैं वहां हर दिन भीड़ के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अलग अलग संस्था संगठनों के तरफ से जो ह्यूमन चेन बनाई है, ये ह्यूमन चेन जो है, ये ह्यूमन चेन का जो मकसद है, ये मकसद है जो अब 27 तारीख को हमारे सांगली में जो मराठा क्रांति मोर्चा निकलने वाला है, उस मोर्चे को हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर पाठिंबा दिया है। इसलिए पाठिंबा दिया है कि जो आर्थिक दुर्बल घटक के जो हमारे मराठा भाई है, मराठा बांधव है, मराठा बहने हैं और अलग अलग तबके में के जो भाई बहने आए हैं, उन सब समाज को इकट्ठा करके आदर्श राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आदर्श विचारधारा है, जो प्रगतिशील विचारधारा है, इस विचारधारा को लेकर जाने वाला जो महाराष्ट्र है वो शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र में, इसके आगे किसी भी महाराज मजहब के और किसी भी धर्म के बहनाओं पे अत्याचार होना नहीं चाहिए। ये आज का जो ह्यूमन चेन है, इस ह्यूमन चेन में से हम इस मराठा क्रांति मोर्चा को सक्रिय पाठिंबा जाहिर करते हैं और इस मराठा क्रांति मोर्चा में अलग अलग सेवाभावी संस्था, जो ह्यूमन राइट पर काम करने वाले हैं, दलित अधिकारों के ऊपर काम करने वाले हैं, माइनॉरिटी के अधिकारों के ऊपर काम करने वाले हैं, अन्य अधिकारों के काम करने वाले हैं, RTI के अधिकारों पर काम करने वाले हैं, इस संस्था संगठन ने आज इतनी बड़ी ह्यूमन चेन बनाकर 27 तारीख का जो मराठा मोर्चा है उसको हमने सक्रिय पाठिंबा दिया है। जय जिजाऊ, जय शिवराय। जाओ घाना बाला साहेब, इस मराठी फिल्म का प्रमोशन सांगली के प्लिंगडन कॉलेज में हुआ।
इस मौके पर फिल्म अदाकारा सही तमाहनकर, संगीतकार अजय अतुल और फिल्म के कलाकार मौजूद थे। कॉलेज के छात्र फिल्मी गानों की धुन पर झूमते नजर आए। माझे नाव स्नेहल प्रभाकर पाटील, 11वी सायन्स, विलिंगडन कॉलेज, सांगली। आज सई तामनकर, अजय अतुल हे सर्वजण इथे आले। आम्ही त्यांची 10 वाजल्यापासून आतुरतेने वाट पाहत होतो। आज ते इथे आले, आम्हाला खूप छान वाटलं। ते आज इथे आले आणि आम्हाला इतका आनंद झाला। आम्ही त्यांची किती आतुरतेने वाट पाहत होतो। ते इथे आल्यानंतर आम्हाला खूप छान वाटलं। त्यांना टीव्हीमध्ये पाहण्यापेक्षा प्रत्यक्षात पाहण्यात आम्हाला खूप छान वाटलं। त्यांच्याबरोबर सर्वांनी सेल्फ्या काढल्या, सर्व काढलं त्यांनी। त्यांचा जाऊ द्या ना बाळासाहेब हा चित्रपट 7 ऑक्टोबरला रिलीज होणार आहे, तो तुम्ही सर्वांनी थिएटरमध्ये जाऊन पाहा ही नम्रतेची। सांगली के शेषफले और करगनी गांव को जोड़ने वाले रास्ते की मरम्मत पिछले 20 सालों से नहीं होने के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, जिसके कारण हर 2-4 दिन में यहां कोई न कोई हादसा होता रहता है। गड्ढों से परेशान गांव वालों ने गड्ढों में खड़े होकर डमरू बजाते हुए अनोखा आंदोलन किया। हमारे गांव का जो ये रास्ता है, करगनी शेषफले गांव को जोड़ने वाला जो रास्ता है, 20 साल के पहले इस रास्ते का काम हुआ था। अभी तक इस रास्ते का काम नहीं हुआ है। इस रास्ते में बहुत बड़े इस पुल के नीचे एक खड्डे गिरे हैं। उस खड्डे में एक आदमी उतर के उसको दिखाया गया था कि इतना बड़ा खड्डा गिरा हुआ है उस, और इस गांव के 20 साल हो गए इस रास्ते को काम करने के बाद, और इतने खड्डे हो गए कि यहाँ कोई डिलीवरी पेशेंट आ जाता है तो इस रास्ते के बीच में डिलीवरी हो जाती है। उसको वहाँ हॉस्पिटल तक जहाँ लेके जाने के पहले उसका डिलीवरी हो जाता है, और कोई लोग आते जाते हैं वो गड्ढे में आके गिर जाते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय एक बार इस रास्ते का काम हुआ था, लेकिन अभी मैं एक सेना में नौकरी करके रिटायर हो गया, मेरे बच्चे अभी स्कूल जाने लग गए, लेकिन अभी तक इस रास्ते का काम हुआ नहीं। कोई भी नेता ना, यहाँ कोई नेता ध्यान देता है, ना कोई ZP, ना कोई आमदार आता है, ना कोई खासदार आता है। हर बोलता है कि हाँ ठीक है ये रास्ता हो जाएगा हो जाएगा। हुगली जिला भाजपा जिला अध्यक्ष भास्कर भट्टाचार्य के नेतृत्व में हुगली जिला भाजपा कमेटी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता के मार्गदर्शक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशाल रैली का आयोजन किया। पार्टी जिनी एकात्म मानव दर्शन स्रष्टा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शतवर्ष के उपलक्ष्य कर आज के पांडुआ पर्यंत उत्तरपाड़ा थे जनयात्रा कर মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য। আচ্ছা, কি সাড়া পাচ্ছেন, কেমন সাড়া? ভীষণ সাড়া পাচ্ছি। সাধারণ মানুষ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছেন, তারা সবাই বুঝছেন আমরা এই একাত্ম মানববাদের যে ট্যালি ট্যাবলোগুলো হয়েছে তাতে তার কোটেশান, তার নাম, আমরা কি জন্য করছি সেগুলো সব দিয়ে আমরা। কতগুলো ট্যাবলো রয়েছে? 17টা ট্যাবলো রয়েছে। আর কত সংখ্যক মানুষ রয়েছে? মানুষ তো অনেক রয়েছে, 150-200 রকম মোটরসাইকেল ছিল, বৃষ্টির জন্য মাঝখানে কিছু বেরিয়ে গেছে। আবার আমাদের প্রত্যেকটা মণ্ডল সামনে আমরা যত এগোবো তত আবার ঝুঁকতে থাকবে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত। हरिद्वार डोगीवाला जूनियर हाई स्कूल में जहां दलित छात्रा से हुई नोकझोंक पर जूनियर स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने TC पर असंतोष अंकित कर दिया, जिससे छात्रा का दाखिला भी किसी स्कूल में होना मुश्किल हो गया है। ये पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे, अब वहाँ पे मैडम पढ़ा सकती है इनको, कोई टट्टी साफ करवा सकती है, वहाँ एक तो लेटरिन साफ करवाती है बच्चे, अब पता नहीं किसके टट्टी कर जाते, इनको बोलती है मैडम अगर टट्टी साफ करो, ये जब मना करते तो इनको डांटती है वो, अगर तो ज्यादा बोलती है बच्चे डांटते हैं। मेरी लड़की के साथ में उसका झगड़ा भी हुआ था मैडम के साथ में, ये मना करती थी कि जी मैडम जी हम तो पढ़ने के लिए आए, हम शक्ति साफ करने के लिए नहीं आए, फिर उसको बोला कि झाड़ू लगा घास फाड़, बताओ तो सब पढ़ने बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं कि घास फाड़ने के जाते हैं, उठाने लिए जाते हैं, बताओ तो सब।